फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस थिंग। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे ग्रुपवाइज एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एस ग्रुप की बात करते हैं, तो इसमें हम लेंगे ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 में आ गए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो फ्रेंड्स, आप इनको एज इट इज याद कर सकते हैं कि ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं। जैसे कि आपको इसे याद करने का तरीका है, है ली ना की रब से फरियाद। तो ये हो गया है ली ना की रब से फरियाद। तो आप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम आपको ग्रुप वाइज याद हो जाएंगे। इसी तरह से एस ब्लॉक में ही ग्रुप नंबर 2, जिसके अंदर आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो हम इन्हीं को कंसिडर करेंगे। इस ग्रुप नंबर 2 को भी एज इट इज याद कर सकते हैं। बिन मैगी के सारी बारात। तो दोस्तों, वैसे याद करने के तो कई तरीके होते हैं, बहुत अलग अलग आपको इस तरह से बनाए हुए मिल सकते हैं, तो आपको जो सुटेबल लगे आप वो याद कर लीजिए। मैंने इसी तरह से याद किए थे, हेली ना की रब से फरियाद, बिन मैगी के सारी बारात, क्योंकि सबसे इजी मेरे को यही लगे। तो उसके बाद में आता है डी ब्लॉक, जिसमें 3 से लेके 12 तक ग्रुप होते हैं। उसके बाद में पी ब्लॉक में अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 13 की, तो उसमें आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। तो आप इन्हें भी याद कर सकते हैं। कुछ इस तरह बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये हो गया बैंगन, बी फॉर बैंगन, ये आलू गाजर इन थैला, इस तरह से आप इसको भी याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 14 की, जिसमें हमारा एक वेल नोन एलिमेंट आता है कार्बन, जिससे कि हर लाइफ फॉर्म बनी हुई है। कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इनको ग्रुप वाइज याद करने का तरीका है, आप इसे याद कर सकते हैं, कहे शिव जी सुने पार्वती, यही मैंने यहां लिखा है, कहे शिव जी सुने पार्वती, काफी इजी तरीका है इसे याद करने का। ग्रुप नंबर 15 की बात करें तो इसके अंदर आते हैं हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एस्टेटीन,
बिस्मथ। इस ग्रुप के एलिमेंट्स आप याद कर सकते हैं। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। इसका और भी कई तरीके हैं अगर मैं बताना चाहूं, पर अगर आपको ये सुटेबल लगे तो आप इसको याद कर सकते हैं। नाना पाटेकर ऐश्वर्या SB फॉर सब एंड बिस्मथ फॉर बीमार। इससे आप आसानी से इन एलिमेंट्स को याद रख पाएंगे। इसी के आगे अगर हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 16 की, तो ग्रुप नंबर 16 में आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, एलेनियम एंड पोलोनियम। इन एलिमेंट्स को ग्रुपवाइज याद करने के लिए बहुत सिंपल है, उस से टीपो काफी आसान है याद करने में। उस दो एलिमेंट्स आपके इसी में आ गए, से बिल्कुल एज इट इज है सेलेनियम, से टीपो बिल्कुल एज इट इज आपको ये याद हो जाएंगे। इसी तरह ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एक्निन। इन्हें याद करने का तरीका है, फिर कल बाहर आई, आई आप किसी भी तरह से याद कर सकते हैं, आई आप ऐसे याद कर लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। आई आरती, फिर कल बाहर आई आरती, ये काफी अनोखा सा है लेकिन आपको याद करने में आसानी रहेगी। फिर कल बाहर आई आरती। ग्रुप नंबर 18 में आपको याद करना पड़ेगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये आपको नोबल गैसेस हैं जो हमारी, ये आपको याद करनी पड़ेगी। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।